कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं स्टूडेंट वीजा को लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2024, इसी महीने से। क्या है ये सारी चेंजेस, आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंगल, मैं एक लाइसेंस और रेगुलेटर कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ टाइम पहले अनाउंस की थी कुछ चेंजेस स्टूडेंट वीजा को लेके, और अब जो चेंजेस लेके आए हैं उसमें सबसे पहले तो जो आपकी वीजा फीस है वो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दी उन्होंने। $710 जो वीजा फीस थी वो अब इंक्रीज करके $1,600 कर दी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2024। सो इसी महीने के बिगनिंग से जो फीस है मोर देन डबल कर दी गई है, अगर आप एज ए स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन डालते हो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर। दूसरी चेंज उन्होंने जो ड्रामेटिक की है, दैट इज फॉर द सेविंग्स जो आप दिखाते थे पहले ऑन स्टूडेंट वीजा, दैट वाज अराउंड 24,500 जो आपको सेविंग में फंड दिखाने पड़ते थे फॉर यूर लिविंग एक्सपेंसेस, अब वो इंक्रीज करके 29,700, क्लोज टू 30,000 कर दिए गए हैं। सो अगेन बिग जंप सेविंग्स के अंदर भी कर दिया। सो आपको अब ज्यादा पैसे दिखाने पड़ेंगे टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टडी वीजा टू ऑस्ट्रेलिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चेंज है, अगर आप टेम्प्रेरी ग्रेजुएट या आप विजिटर वीजा पे या मैरिटाइम क्रू वीजा पे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यू कांट कन्वर्ट दैट वीजा टू स्टडी वीजा। पहले क्या लोग करते थे, दे यूज टू गो ऑन विजिटर वीजा टू ऑस्ट्रेलिया। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट जो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करते थे फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा, तो विजिटर वीजा को वो कन्वर्ट कर लेते थे स्टडी वीजा में। अब 1 जुलाई से आप ये भी नहीं कर पाओगे। सो ये भी एक बहुत बड़ी हिट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो विजिटर वीजा पे ऑस्ट्रेलिया जाते थे और वहां जाके वो कन्वर्ट कर लेते थे उसको स्टूडेंट वीजा के अंदर, अब वो नहीं कर पाएंगे। सो जेन्युइन जो विजिटर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो तो अब जा पाएंगे, बट जो इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि मैं वहां जाके अपना विजिटर वीजा स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर लूंगा, वो उस पर भी अब रोक लगा दी उन्होंने। चौथी इंपॉर्टेंट जो चेंज की है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेके। आप जो अगर आपकी एज 35 इयर्स की होगी 1 जुलाई 2024 को, 35 साल के अगर आप हो गए और आप एज ए स्टूडेंट वीजा पे पढ़ रहे हो, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो। एक्सेप्शन उसमें ये है कि अगर आप PhD स्टूडेंट हो या मास्टर आप कर रहे हो एक स्पेशल तरह की थीसिस बेस्ड, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अदरवाइज अगर आपकी एज 35 साल की हो गई तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो ये चार मेजर ड्रामेटिक चेंजेस की हैं ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी वीजा के अंदर बिगिनिंग 1 जुलाई 2024। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे हैं, 1,20,000 के करीब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स। काफ़ी बड़ा हिट है ये, क्योंकि कैनेडा US UK के बाद एक बहुत टॉप की डेस्टिनेशन जो अट्रैक्ट करती थी इंडियन स्टूडेंट्स को वो थी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगी स्टडी वीज़ा में, और इंडियन स्टूडेंट्स को जो है हिट काफ़ी देखनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि इसमें एक तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो चेंज कर दी गई, वो काफ़ी आपको सेविंग ज़्यादा दिखानी पड़ेंगी। आइल्स का स्कोर उन्होंने पहले ही चेंज कर दिया था, इसके अलावा वीज़ा फीस काफ़ी ऊपर हो गई, और ये जो 35 साल का जो लोग हैं जिनकी एज 35 साल हो जाएगी अब पढ़ाई के दरमियान, तो उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिल पाएगा। किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी वीज़ा में चाहिए, इमिग्रेशन में चाहिए, कोई PR की कैटेगरी की बात करना चाहते हैं, आप विजिटर वीज़ा के तौर पे बाहर जाना चाहते हैं, ज़रूर हमें कंसल्ट करें, हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।